वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन बनाए थे, चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन जो है वो क्लियरली समझ में आ गया हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है। नरेश महेश सुरेश तीनों पार्टनर है, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 4:3:3, ठीक है, जो डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व कर देंगे एंड अपॉइंट करेगा महेश को, ठीक है, और महेश जो है वो रिसीव करेगा 5% ऑफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर से जो अमाउंट है उसका 5% वो रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, समझ में आया। महेश जो रियलाइज किया इतना डेटर इतना स्टॉक और क्रेडिटर इतना फुल सेटलमेंट में है, 500 का एक्सपेंस है। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही सिंपल, आपको तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हम रेशियो लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, डेटर स्टॉक जितना एसेट्स है वो कैश, क्रेडिटर या बुक वैल्यू का दाम ये रहता है, ये एडिशनल रहता है, आता है वो पता चला, और ये जितना भी एक्सपेंसेस हो जाता है ये, और फिर कमीशन इधर लिखाएगा, ठीक है। लॉस हुआ तो हमने लॉस को ये रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो आपको पता चला ये सब अमाउंट कहाँ से आया। फिर हम लोग, इसमें लोन नहीं है इसलिए लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसमें सिर्फ तीन ही अकाउंट बनेगा। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बैलेंस बीडी जो कि क्वेश्चन में गिवन है ना, बैलेंस बीडी, देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिए नरेश और महेश डेबिट में है, ठीक है, और सुरेश का कैपिटल क्रेडिट में है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, सुरेश का कैपिटल था क्रेडिट में तो वो डेबिट में आएगा, और नरेश महेश का कैपिटल था डेबिट में तो वो क्रेडिट में आएगा। आपको मैं बता चुकी अपोजिट होता है, यहाँ तक समझ में आया। रियलाइजेशन लॉस हुआ यहाँ पे क्रेडिट में था इसलिए यहाँ पे डेबिट में आएगा, ठीक है, महेश इधर डेबिट में था इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, ठीक है, कमीशन समझ में आया। और फिर यहाँ पे बैलेंस फिगर करके दिखा देंगे, देखिए इसमें यहाँ पे एक अमाउंट है और इसमें यहाँ पे एक अमाउंट है, तो यहाँ पे 30,000 ज्यादा है, 9,000 कम है, तो 30,000 9,000 माइनस किए तो इतना आया, ठीक है, 20,000 40,000 तो यहाँ पे इतना आया, इसमें माइनस किए तो इतना आया, जबकि इधर में इधर ज्यादा है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए इधर हम लोग बैंक अकाउंट करके इधर दिखा दिए, जिसमें जो ज्यादा रहेगा तो जिधर कम है उसको हम लोग बैलेंस फिगर करके दिखा देते हैं, समझ में आया आपको। फिर लास्ट में बैंक या कैश अकाउंट बनाते हैं, तो देखिए कुछ 82,000 जो कि डेबिट था, आई मीन क्रेडिट अमाउंट था, तो उसको हम लोग डेबिट में किए, सुरेश का कैपिटल डेबिट में था इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट में किए, बैलेंस बी डी डेबिट में था, असली रियलाइजेशन अकाउंट नरेश और महेश का कैपिटल ये दोनों क्रेडिट में था, समझ में आया आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर टू तो वो कंप्लीट हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री को एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है आपका। अजय विजय और संजय तीनों पार्टनर हैं, इसका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें एडिशनल में भी दे दिया है, बहुत ही सिंपल, चलिए बना लेते तुरंत। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रियलाइजेशन अकाउंट, डेटा ये सब बुक वैल्यू का हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिखे, ये सन्डी क्रेडिटर बैलेंस शीट का हो गया, ये भी बैलेंस शीट का हो गया, ये सब एडिशनल का हो गया। फिर डेबिट या क्रेडिट कौन ज्यादा है हम लोग देखते हैं, जो ज्यादा आएगा, यहाँ पे डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था, तो 4:2:1 के रेशियो में 2,800 को डिवाइड कर दिए, आई मीन बांट दिए, तो इतना 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 इन लोग का लॉसेस हो गया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनता है आपको पता है, रियलाइजेशन का लॉस क्रेडिट में था इसलिए डेबिट में ट्रांसफर हो गया, सिंपल सा बैलेंस भी दी है गिवन है क्वेश्चन में।
जनरल रिजर्व, ये भी गिवन है, जनरल रिजर्व को हमने 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर बैलेंस डेबिट क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट जाता है तो डेबिट कम था, तो ये बैलेंस फिगर जो है ये बैलेंस है सीडी निकल गया, ठीक है। ये इसको आप कैश अकाउंट भी दिखा सकते हैं, ये बैलेंस फिगर है। उसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये कैश अकाउंट जो कि क्रेडिट में था तो डेबिट में ट्रांसफर हुआ, जो डेबिट में था वो क्रेडिट में ट्रांसफर हुआ, और ये जो हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में आया, डेबिट में था इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में आया, और दोनों इक्वल आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कितना ही सिंपल था, 3 अकाउंट बनाना है, बाकी सब कुछ गिवन रहता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट।